कॉर्न यानी कि मक्का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंग्रेडिएंट है, वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब आप इसको कोयले पे भूनते हैं, इस पे चाट मसाला नींबू डाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वो थोड़ा सा ड्राई भी लगता है। आज की जो मेरी रेसिपी है कॉर्न मक्खन मलाई, वो रोस्टेड भुट्टा ही है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा स्टेप है जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर ऐड करेगा, एट द सेम टाइम उसके अंदर वो बटरी क्रीमी फील भी देगा। सो लेट्स बिगिन विद कॉर्न मक्खन मलाई। सबसे पहले हम कॉर्न को उबालेंगे, और उबालने से होगा क्या, कॉर्न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। लेकिन उबालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क, और उसमें जाएगा पानी। इसके अंदर मैं डालूंगा बटर, बिकॉज आई वॉन्ट के कॉर्न के अंदर जब हम बाइट लें वो जूसी हो, क्रीमी हो, और मक्खन का उसके अंदर फ्लेवर हो। अ जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट। ये जैसे ही बॉयल होगा इसके अंदर हम कॉर्न को डालेंगे। इन द मीन टाइम जब तक ये बॉयल होगा हम इसका एक मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये जो मैरिनेशन है या इसका टॉपिंग है उसको बनाने के लिए हम लेंगे क्रीम, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। ना चाट मसाला का मेन फ्लेवर है स्क्वीज सम लेमन। इसके अंदर हम डालेंगे अ जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें बॉयल आ गया है, कॉर्न को हमने क्लीन कर लिया। ब्यूटीफुल। इसे अब ढक देंगे आँच हल्की, और आधे घंटे के लिए इसे हमें बॉईल करना है। लेट्स चेक ऑन दिस। ब्यूटीफुल। हाफ एन आवर हो चुका है, ये तैयार है, सॉफ्ट एंड जूसी, थोड़ी सी मलाई भी उसके ऊपर जम गई है। दिस इज़ ब्रिलियंट। इसे करेंगे बंद। वंस अगेन हम गैस ऑन करेंगे। गैस के ऊपर मैंने ये जाली रखी है, आप चाहें तो डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बिकॉज ये कुक्ड है इसे सिर्फ कलर देना है, सो हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। क्विक फ्लेम पे, जस्ट टू गिव इट अ नाइस कलर। ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। ऑलराइट, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। ना जब ये गर्म है उसी दौरान इसके ऊपर हम हमारा ये जो मैरिनेशन है इसे रब करेंगे। देयर यू गो, नाइसली बेस्टेड, और क्रीम मेल्ट हो जाएगी जैसे जैसे ये क्रीम गर्मा गर्म कॉर्न पे लगेगी, पिघल जाएगी और एक अच्छी शाइन देगी। एक कॉर्न को हम काट लेंगे छोटे छोटे राउंडल्स में। इट्स रियली इजी क्योंकि उबला हुआ है, इसमें ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। ये हमारा दूसरा कॉर्न, इस पे जाएगा थोड़ा सा धनिया, लेमन, जस्ट इन केस समन नीड्स अ लिटिल मोर सॉल्ट, और हमारा कॉर्न मक्खन मलाई डन।